So very very good morning to all of you. My name is Ritu Sharma and I welcome you all on Academy B2M UPSC CSE. आप सभी का स्वागत है. कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रहे हैं आप सभी की प्रिपरेशन कैसी है. सो आई होप सभी जो अपने घरों पे पहली बात तो सेफ हैं, घरों में हैं, ठीक है. सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड. 1 मिलियन जो है हम लाइक हिट कर चुके हैं, ठीक है. तो देखो घर पे रहो, थोड़ा सेफ रहो, पढ़ना भी है, आगे पेपर भी देना है ना. तो चलिए अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बारी बता देना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके यहाँ पे प्लीज़ एक बारी बता देना. गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिरदोस एंड एवरी वन वॉचिंग अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस कोर्सेज. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप सभी को कि आज जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिव्यूड, जिसके तहत पे जैसे आपको गाइडेंस प्रॉब्लम होती है या फिर मान लीजिए आपने एक बारी दो बारी में आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो कौन आपको यहाँ पे गाइड कर सकता है. देयर कैन बी अ गुड मेंटर हु कैन गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, राइट. सो अन अकेडमी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट मेंटर अंडर योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो साथ में मतलब प्रीलिम्स मेंस ऑप्शन ये तो होगा ही होगा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपका यहाँ पे एक मेंटर होंगे जो आपको हर दिन आपकी स्टडीज को इवैल्यूएट करेंगे. आपके आंसर चेकिंग हो गया, आपके सेशंस हो गए डिफरेंट, सभी जो है आपके 1-to-1 इंटरेक्शन यहाँ पे आपसे फेस टू फेस होगा. तो लाइक दैट, ठीक है. तो वो मेंटर जो है आपके लिए होंगे और आपकी स्टडीज को यहाँ पे जो है पूरा इवैल्यूएट करेंगे. सो इन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन गो टू unacademy.com. आप जा सकते हैं वहाँ पे. आप 12 या 24 मंथ्स के लिए लीजिएगा अगर आप UPSC CSE के लिए ले रहे हैं तो. अदरवाइज जो आप बाकी मंथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, SSC बैंकिंग वगैरह के लिए 12 to 24 months जाइएगा. मेरा कूपन कोड है RITUYT. आपको अगर मुझसे पूछना है कैसे ले सकते हो मैम और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो Ritu Sharma 1006 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. इस RITUYT आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं. मैं आपको जो है फर्दर पर्सनली यहाँ पे गाइड भी कर सकती हूँ क्योंकि आज अब जो है मतलब हर दिन मैं स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर नहीं चेक कर पाती हूँ बिकॉज क्लासेस जो है अब बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है. तो समय जो है यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाता है कि सभी के मैं यहाँ पे आपके आंसर कर चेक कर पाऊँ. बट जैसे जो पर्सनल स्टूडेंट्स होते हैं, आपके प्लस के स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन तो देना ही देना यहाँ पे होता है. सो यू कैन लाइक पर्सनली कनेक्ट एंड एनीवेज यहाँ पे PDF जो है जैसे कल का और आज का मैं अपलोड कर दूंगी ऋतु शर्मा पे, आपको मिल जाएगा चैनल पे. टेलीग्राम चैनल है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपने आंसर्स डाउट्स. आज जैसे वीकेंड अब आ गया है, थोड़ा संडे को जाके राहत सी मिलेगी तो मैं ज़रूर आप सभी के आंसर और मैसेजेस यहाँ पे चेक करूँगी. मैंने ऐसा बोल भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले चैनल के ऊपर, ठीक है. अब वेरी 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 गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करते हैं छोटी सी मोटिवेशन के साथ. डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर. तो डरना नहीं है दोबारा करने से, ठीक है, डरते नहीं है कभी भी, ठीक है. डरते वो लोग हैं जिनको मतलब उम्मीद ही ना हो और जिनको मतलब पता हो कि मुझसे नहीं होने वाला, आपसे होगा और आपसे होने वाला है. आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरना है एंड नेवर एवर अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, चाहे वो एक छोटा सा चैप्टर ही क्यों ना हो, ठीक है. आपको लग रहा है यार मुझे तो नहीं आ रहा, मेरे को तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरी प्रिपरेशन, ये सब्जेक्ट तो मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, अब दोबारा से कैसे स्टार्ट करूँ. डोंट बी एवर अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर. देखो स्टार्ट करना और बस उसकी शुरुआत करना ना आपका सक्सेस के लिए एक आपने जो स्टेप है वो ले लिया है, तो वो शुरुआत करना ही बहुत बड़ा मेजर स्टेप होता है और लोग वही पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं, ठीक है. तो अब एक सीढ़ी चढ़ ली तो आपको पता है कैसे चढ़ना है, तो दूसरी तीसरी सब आप पार कर लोगे धीरे धीरे. सो नेवर एवर अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. स्टार्टिंग ओवर में आपके पास अपॉर्चुनिटी है बेटर करने की, आप उस पर जो है अच्छे से आप काम कर सकते हो. तो इसी मोटिवेशन के साथ ये आपका आज क्लासेस है. 9 बजे जो क्लास होगी वो आज नहीं होगी, मंडे को होगी, ठीक है. सो लास्ट आपकी क्लास है 12:30. This is a pandemic. Instead of a pandemic to curl out one of three
Human population, survival of the fittest, the history is repeating itself, no offense, just a thought. कुड भी देखो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि कुछ लोग बोल रहे हैं भगवान हमसे बदला ले रहे हैं, क्या ये इतनी ऐसी सिचुएशन, वन बिकॉज टॉप ऑफ वन ऑन अदर थिंग जो है, वी आर फेसिंग डिजास्ट्रस ओनली. सो आई डोंट नो हाउ इट इज़ हैपेंड टू, मतलब ये 2020 में ही क्यों होना था, या तो कुछ प्लान या वट एवर इज इट, ठीक है, वी डोंट नो बिकॉज एवरी थिंग इज अनप्रेसिडेंटेड राइट नाउ. ऑल वी कैन थिंक इज, ऑल वी कैन वर्क इज ऑन अपॉन आर सेल्स एंड ऑन आर सराउंडिंग्स. तो अपना ध्यान रखो, अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखो, ये हम अभी के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प करो, ठीक है, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपके रीच में है तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप उनकी हेल्प ज़रूर करें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. और पहला आर्टिकल जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन ईरान टाइट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे द हिंदू से, वो ज़्यादा कुछ थे नहीं, PIB से हमने कवर कर लिए थे. ठीक है, एनीवेज अगर आपका जो है टॉपिक रहेगा वो अभी 12:30 बजे जो क्लास होने वाली है PIB से, ठीक है, मैं एक बारी और आपका यहाँ पे चेक कर लूँगी न्यूज़पेपर का. ठीक है, मैं आपको पूरा समय नहीं मिला, बट डोंट वरी, 12:30 बजे जो आपकी क्लास होगी PIB की, उसको मैं पूरा चेक करके, अगर कोई टॉपिक लगा मुझे द हिंदू से इम्पॉर्टेंट, देन वी विल डिस्कस इन दैट. अभी के लिए जो है हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. पहला है ईरान टाइट्स नीड क्वाइट डिप्लोमेसी. सो ईरान की जो टाइज हैं, मतलब किसके साथ हैं, आपकी चाइना के साथ हो गया, ऐसे ही आपका इंडिया के साथ हो गया, है ना, इस पर कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी लाने की ज़रूरत है कि अब आगे आने वाले समय में ईरान राइट किस तरह से इस डिप्लोमेसी का यूज़ करके बेनिफिट ले सकता है. मतलब चाइना जो है किस तरह से इम्पोर्टेंट रखता है आपका ईरान के लिए, ऐसे ही साइमल्टेनियसली इंडिया किस तरह से इम्पोर्टेंट रखता है आपका ईरान के लिए. ये न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज अभी आपने सुना होगा कि ईरान और आपका जो चाइना का रेलवे प्रोजेक्ट है ना, वो सॉरी आपका ईरान और इंडिया का जो रेलवे प्रोजेक्ट है कि वो इंडिया ने जो है आपका ड्रॉप, यहाँ पे इंडिया को ड्रॉप करने के लिए कह दिया गया है बिकॉज ऑफ द लेस इन्वॉल्वमेंट. तो यहाँ पे पढ़ेंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं UGC की जो डिफरेंट गाइडलाइंस है, दैट स्कोर लो. आज कल भी हमने बेसिकली पढ़ा था हायर एजुकेशन के ऑटोनॉमी के बारे में, सेंट्रलाइजेशन अप्रोच और ये ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर इन सब के बारे में. तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि UGC की सर्टेन गाइडलाइंस है, हाउ वन साइज फिट अप्रोच जो है वो सभी को यहाँ पे उसका यूज़ करने को, मतलब उसका यूज़ कर सकती है यहाँ पे राइट. क्या आपकी गाइडलाइंस है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ इम्प्लीमेंट करेंगी उसको, यूनिवर्सिटीज़ का क्या कहना है इस बारे में, क्या एक मतलब एक हम अप्रोच रखे, क्योंकि सभी की सिचुएशन जो है डिफरेंट है. अब महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये सारे सीवियरली आपके अफेक्टेड स्टेट्स हैं ड्यू टू द COVID-19. तो यहाँ पे तो ऑनलाइन एग्जाम करना, ठीक है, या फिर आपका ऑफलाइन एग्जाम करना, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन कैन बी वेरी डेंजरस राइट नाउ. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं UGC के क्या गाइडलाइंस है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या कहना है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पैंडमिक की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री, स्पेशली हायर एजुकेशन जो है वो कैसे आपकी इफ़ेक्टेड यहाँ पे हुई है, एंड फिर हम देखेंगे क्या पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे अगर हो सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल्स पे. चाबहार पोर्ट के बारे में बिल्कुल सही है. ठीक है, चाबहार पोर्ट के यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक दो आर्टिकल. आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट क्या है, आज ईरान बोलेगा, मतलब आर्टिकल बोलेगा कि ईरान के लिए आपका इंडिया और आपका चाइना किस तरह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखता है और कैसे ईरान अपनी डिप्लोमेसी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है. सो रीसेंट रिपोर्ट में पाया गया कि आपके जो ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका नाम है मोहम्मद इस्लामी. तो उनका नाम है मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने जो है लॉन्च कर दिया ये प्रोजेक्ट. 628 किलोमीटर का ये रेल प्रोजेक्ट होने वाला था चाबहार से जाहिदीन को लिंक करने का. अभी मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ. ठीक है, बात क्या है यहाँ पे, लास्ट वीक से ये हो रहा था कि जो इंडिया है उसको यहाँ से प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है, बट ईरान सिंस क्लैरिफाइड दैट इट इज़ नॉट द केस. इंडिया जो है आपका बाद में ज्वाइन यहाँ पे कर सकता है लेटर स्टेज के अंदर.
आते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं पहले। देखो ये की पॉइंट्स है, 628 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा चाहाबाद और आपका जाहिदीन के बीच में, और इसको बाकी जरंज जो आपका अफगानिस्तान पे है वहां पे एक्सटेंड किया जाएगा। मैप पे देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये है आपका चाहाबार पोर्ट, ये है आपका जाहिदीन और ये है आपका जरंज। तो ये आपकी 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई जाएगी। तो इन तीनों के बीच में, ईरान, अफगानिस्तान और आपका इंडिया के बीच में जो है एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत पे आपका जो है ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब ये रेलवे जो प्रोजेक्ट है वही यहाँ पे बनाया जाएगा। और आपका प्लस ऑन टू दैट MOU भी जो है आपका यहाँ पे इंडियन रेलवेज और ईरान रेलवेज ने साइन किया था कि किस तरह से इंडिया जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मतलब फाइनेंशियली कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो वापस आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर, एंटायर प्रोजेक्ट वुड बी कम्प्लीट बाय 2020 एंड ईरानियन रेलवेज विल यूज अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन फ्रॉम द ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड। 2022 तक बोला गया था कि आपका ख़त्म होने की संभावना है। मई 2016 में अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, इन्होंने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अमंग द थ्री कंट्रीज यूजिंग चाहाबार पोर्ट इन द ईरान। अब देखो इम्पोर्टेंस कैसे रखता है ये चाहाबार पोर्ट, यहाँ पे एक बारी समझते हैं इसको। ये हमारा कांडला पोर्ट हो गया, ये चाहाबार पोर्ट हो गया। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है ज़्यादा नहीं है, 1000 किलोमीटर्स है। ईरान का एक्सेसिबिलिटी हमें मिल गई, इससे आगे हम जरंज तक अगर ये लाइन बन जाती है तो 200 किलोमीटर ही है ये आपका जाहिदीन से जरंज, ठीक है, 200 किलोमीटर। तो हमें ईरान से एक्सेसिबिलिटी, अफगानिस्तान से, और ये अगर पोर्ट आपका इस्टेब्लिश हो जाता है तो बाकी के जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये हमें उस पर भी जो है हम अपना होल्ड क्रिएट कर सकते हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान को यहाँ पे जो है डक कर सकते हैं। अफगानिस्तान आपकी लैंडलॉक कंट्री है, रास्ता है नहीं, तो यहाँ पे ये रास्ता जो है कैन बी वेरी यूजफुल फॉर अस स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे वो इससे सॉल्व हो सकते हैं, हम इजीली यहाँ पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपकी ईरान अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, क्लियर है। मैं यूट्यूब सब एनालिसिस देखता हूँ, बट मुझे आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू पटेल हर्ष। मैम इस क्लास की लिंक भी नहीं मिलती टेलीग्राम पे। सुमित कुमार, चलो ठीक है, लिंक ना शेयर कर देंगे कल से, ठीक है, आपको मिल जाएगी। वैसे टाइम याद रखो 9:30 बजे है, अगर आप 9:30 बजे का टाइम भी याद रखोगे तो एक ही बात है, बट कोई बात नहीं, लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर करने लग जाऊंगी अगर ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो, ठीक है, पहले बता देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एनीवेज तो बात हो गई, मैं आपको समझ में आ गया, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को वी कैन डक टोटली एंड देन अफगानिस्तान, ईरान और पूरे सेंट्रल एशिया के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चाहाबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ईरान के लिए भी और इंडिया के लिए भी और इवन अफगानिस्तान के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता था, स्टेट ओन इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हैड साइंड एन MOU साइन किया था ईरान रेलवेज के साथ में, राइट, कि आपका ये सर्विसेज देगा, स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेगा अप टू अराउंड $1.6 बिलियन। तो चाहाबार पोर्ट जो है इज बीइंग कंसिडर्ड अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय द थ्री कंट्रीज विद अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट, क्यों, ये तीन आपके चाहाबार पोर्ट बनाएंगे फिर बाकी का एक्सेसिबिलिटी ना इसको बढ़ाते जाएंगे और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे ईरान के लिए भी बेनिफिट होगा, अफगानिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा टू एक्सेस द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ईजीली, राइट, क्योंकि पाकिस्तान तो भाई ट्रांजिट हमें देने से रहा। देखो ये पाकिस्तान यहाँ पे आप देख रहे हो ना बीच में, पाकिस्तान नहीं जाने देगा हमें यहाँ पे ईरान पे या फिर अफगानिस्तान पे, राइट, तो और बाकी की आपके जो कंट्रीज हो गई वहाँ पे, तो यहाँ पे दिस पोर्ट पर्टिकुलरली आपका काफ़ी बेनिफिट कर सकता है तीनों कंट्रीज के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान थ्रू ईरान इन ऑर्डर टू लेसन इज डिपेंड, अफगानिस्तान की यहाँ पे बेसिकली बात करें, ठीक है, कि अफगानिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेल लिंक आपका प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चाहाबार से जो है जाहिदीन पे होगा, फिर 200 किलोमीटर फर्दर ये आपका जरंज एक जगह है बॉर्डर पे ही अफगानिस्तान के, इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट बिछेगा जो बेनिफिट करेगा आपके अफगानिस्तान और ईरान अचानक। तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी, अभी
जो हम स्पेकुलेशंस देख रहे थे कि इंडिया को जो है इस प्रोजेक्ट से आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आपकी जो है डेवलपमेंट किसी प्रकार की, यहाँ पे डेवलपमेंट आके इंडिया की तरफ से और इंडिया की तरफ से किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं देखने को मिल रही थी। सो इरकॉन हैज़ प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्टडीज एस्टिमेटेड दैट 800 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट वुड नीड एन आउटले ऑफ 1.6 बिलियन। मीनवाइल इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 220 किलोमीटर रोड टू कनेक्ट। तो सिंपल ये बात हो रही है, दिस कंप्लीटेड इन 2018 एंड कॉस्ट ऑफ, इसमें ज़्यादा ये पॉइंट जो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसी में। 2015 में राइट, जब मैंने आपको बताया ना MOU डिसाइड किया गया, साइन किया गया, तो आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे तेहरान, ईरान के अंदर। ठीक है, MOU आपके साइन करके आए 2016 में राइट, आपके ईरान, अफगानिस्तान और आपका इंडिया के बीच में ये MOU आपका साइन किया गया इंडिया और आपका ईरान रेलवेज के बीच में। क्या साइन किया गया कि इंडिया जो है आके डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मान लीजिए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जितने भी आपके मतलब आपके जैसे रॉ मटेरियल्स या आपके इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी तो इंडिया विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू दैट। सो फेज वन ऑफ द प्रोजेक्ट, अनदर माइलस्टोन वाज द साइनिंग ऑफ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। इनके बीच में आपका ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना MOU जो है आपका ईरान और इंडिया के रेलवेज के बीच में हुआ था। सो इसमें क्या, इन एडिशन टू दैट 85 मिलियन यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया, ऑल्सो कमिटेड कि आपका 150 मिलियन यहाँ पे देगा। ऐसे ही फेस वन वॉज डिक्लेयर ऑपरेशन इन 2018 एंड इंडियाज वीट शिपमेंट स्टार्टेड टू अफगानिस्तान। तो इस तरह से पहले जो फंडिंग आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, अब जाके जो है कुछ समय से यहाँ पे रुक गए। देखो रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न आपका पैंडेमिक भी हो सकता है, रीज़न आपका यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है। US जो है हमें कुछ जैसे आपके इक्विपमेंट जो है US से इम्पोर्ट करने थे बट US ने वो रिलीज़ नहीं करे, ये भी आपका एक रीज़न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज गिवन अ वेवर फ्रॉम सैंक्शंस। ईरान जो है काफ़ी समय से आपका यहाँ पे सैंक्शन फेस करता ही आ रहा है, USA आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, बट इंडिया को जो है इस सैंक्शन से रिलेटेड वेवर बना मिला हुआ है कि ईरान जो है आपका ये चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, इस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कर सकता है अगर ईरान के साथ करना चाहता है तो। ठीक है, सो डिस्पाइट द वेवर द प्रोजेक्ट हैज सफर्ड डीलेज बिकॉज ऑफ द टाइम टेकन बाय द US ट्रेजरी टू एक्चुअली क्लियर द इम्पोर्ट ऑफ हैवी इक्विपमेंट। तो ठीक है, आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि क्या क्या रीजन है। अब ये एक्सक्लूड करने का रीजन पैंडेमिक, इन आपका फाइनेंशियल क्रंच, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका US की तरफ से ये इम्पोर्ट रिलीज ना होना। ठीक है, वो आपका ऑब्वियसली फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो विद रिगार्ड टू द रेल ट्रैक प्रोजेक्ट, आपको मैं इसका ओवरव्यू भी दे दूंगी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में थोड़ा बीच में कुछ मिस हो गया तो। सो विद रिगार्ड टू रेल ट्रैक प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग MOU वॉज साइन अंडर इंडिया अंडरटूक टू प्रोवाइड 500 मिलियन। ठीक है, ये MOU के तहत मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की, मान लीजिए थोड़ा आपका पार्ट जो है ईरान संभालेगा, थोड़ा इंडिया संभालेगा, इंडिया की तरफ से आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि फाइनेंसिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन अंडर विच इंडिया ने कहा कि वो जो है 500 मिलियन यहाँ पे देगी वर्थ ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग 150 मिलियन ऑफ स्टील रेल ट्रैक्स। तो ये सब जो है आपका क्या करेगी, इंडिया प्रोवाइड करेगी। सो इनफैक्ट द रेलवे ट्रैक करंटली बींग लेड आर दो सप्लाइड बाय इरकॉन एंड ईरानियन रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज, ईरान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई वो लोकल वर्क, लैंड लेवलिंग, ये सब जो है देखेगी। सो MOU बिटवीन इरकॉन एंड ईरान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। फर्दर कतब अल अनबिया द ईरानियन कंपनी आपकी है अंडरटेकिंग सम ऑफ द वर्क वॉज लिस्टेड बाय द US अ स्पेशल डेजिग्नेटेड एंटिटी
लीडिंग इरकॉन टू सजेस्ट टू द इरानियंस टू अपॉइंट अनदर कॉन्ट्रैक्टर. तो सिंपल बात है कि ये आपका जो है एक्सपायर्ड हो गई. इनके बीच में कंपनी बनी थी इरकॉन और ईरान के बीच में, वो एक्सपायर होने की वजह से फिर आपकी ईरान जो है वो आपका काम करना यहाँ पे उसने चालू कर दिया. ईरान की कंपनी ने अंडरटेक कर लिया भाई आपका काम को, ठीक है. सो दैट वॉज बेसिकली लिस्टेड बाय द यूएस एज अ स्पेशल डेजिग्नेटेड एंटिटी एंड लीडिंग इरकॉन टू सजेस्ट टू इरानियंस टू अपॉइंट अनदर कॉन्ट्रैक्टर. और वो आपका जो है इट इज डेजिग्नेटेड बाय यूएस. तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे हमें बता रहे ये पूरा आर्टिकल कि क्यों आखिर ये प्रोजेक्ट पे आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है. ईरान का प्रॉब्लम है यूएसए, ईरान का प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट, इंडिया का प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे इम्पोर्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट. ये सब जो है इंडिया का प्रॉब्लम है. सो मीनवाइल ईरान हैज एम्बिशियस प्लान्स. तो क्योंकि एक्सटेंड करना है इस प्लान को फर्दर, तो ईरान तो चाहता है कि भाई इसको और बढ़ाया जाए, जाहिदीन के बाद में इसको मशाद तुर्कमेनिस्तान तक लेके जाया जाए, इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका एक और पार्ट यहाँ पे बनाया जाए, ठीक है. सो यहाँ पे ऑब्वियसली ये आपका डिफरेंट डिफरेंट एम है आपका इन्हांस करने के लिए. तो यहाँ पे केवल चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए ही इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ईरान के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है. उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है आपका यहाँ पे अपनी एक्सेसिबिलिटी जो है ईरान, वो भी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए आपका यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता है. दूसरी बात इसका पहलू आता है, हमने पढ़ लिया इंडिया, इंडिया के अभी एक दो पॉइंट और देखेंगे, ठीक है. अभी हम अभी तक हमने क्या देखा है कि इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है चाइना, और आपका ईरान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है. दूसरा, अब ईरान की क्या प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स बताई है ना. एक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है डिफरेंट डिफरेंट आपके यूएसए के सैंक्शंस, ठीक है. कि जैसे कि एक सैंक्शंस आपका हो गया कि आपका कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं वो आपका ईरान इंपोर्ट नहीं कर सकता, ए इसमें डील नहीं कर सकता, उसमें डील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज सेंक्शंस, ठीक है. आपका जो है ईरान ढंग से काम नहीं कर सकता, और इसका वेवर जो है आपका मिला हुआ है इंडिया को कि इंडिया जो है इस पर काम कर सकता है. एनीवेज यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दूसरे एंगल की कि ईरान को चाइना की क्या ज़रूरत है. मैंने क्या मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें ज़रूरत है, यूएसए प्रॉब्लम है और इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है. अब चाइना के पास है क्या, पैसा, चाइना के पास है मार्केट. तो 2016 से बातचीत हो रही थी, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन करते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दूंगा, अब तुम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सुधारना, चाइना ने कहा. और यहाँ पे ईरान ने कहा ठीक है, यहाँ पे ऑयल जो है मैं तुम्हें कंसेशन रेट्स में दूंगा, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट्स में यहाँ पे दूंगा. बट ये बातचीत जो है पूरी नहीं हो पाई. और अब जाके आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर, हम बातचीत कर रहे थे 2020 में, आपका यहाँ पे जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है. दैट विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान, ठीक है. आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में ये हेल्प करेगा. दूसरा आता है हमारे पास यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएसए. दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, यूएसए है ना, ईरान की. सो इन मे यूएस अनाउंस दैट इट वॉन्टेड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू कंटिन्यू द बैन ऑन ईरानियन एक्विजिशन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स. तो भाई यूएसए चाहता है कि ये जो बैन लगा हुआ था कन्वेंशनल वेपन्स आपका यहाँ पे ईरान जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकता, इसको कंटिन्यू करे. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 वॉज अडॉप्टेड इन July 2015 by consensus to endorse the Joint Comprehensive Plan of Action and contains a 5-year restrictions on Iran's importing conventional weapons that ends on October 18. So, ये 2015 में जो है आपका चालू किया गया था, क्या एक Joint Comprehensive Program बनाया गया जिसके तहत पे ईरान जो है आपका ये weapon import नहीं कर सकता, ठीक है. और ये रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपकी एक प्रिंसिपल बॉडी है अंडर योर यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम है आपके जैसे ये रेजोल्यूशन हो गया इनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, पास करना.
आपके डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब इसमें से आपको पता है 5 क्या होते हैं, आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास क्या पावर होती है, वीटो पावर होती है। मान लीजिए इसी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आपका ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्लान ऑफ एक्शन हो गया आपका, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या लिया गया कि ईरान पे जो है कन्वेंशनल वेपन्स वो बैन कर दिए जाएंगे। मान लीजिए इसमें आपका US भी है, इसमें आपका आपका चाइना भी है। तो मान लीजिए चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो ये वहीं के वहीं आपका समाप्त हो जाता, ठीक है। बट आपका जो है इसको कंसेंसस के साथ आपका इसको अडॉप्ट किया गया था। तो अब प्रॉब्लम हमारी ईरान की क्या है, USA, ठीक है, USA की हेगेमोनी, USA के सैंक्शंस। सो फिर आते हैं, अब ये बोल रहे हैं USA की दोबारा से इसको चालू किया जाए, ये बैन को जो है इसको कंटिन्यू किया जाए। सो इवन दो द US यूनिलैटरली क्विट द JCPOA, इट इज थ्रेटनिंग टू इन्वोक द ऑटोमेटिक स्नैप बैक ऑफ सैंक्शन प्रोविजन्स ऑफ JCPOA, कि भाई यूनिलैटरली क्विट भी कर देता है ना USA, तो यहाँ पे सैंक्शंस का तो क्या कोई आपका भरोसा नहीं है, वो कभी भी सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है। सो यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस हैव क्रिटिसाइज द US डुप्लिसिटी बट आर अनलाइकली टू एक्सरसाइज अ वीटो, ठीक है। अब UK फ्रांस जो है वो तो सपोर्ट करने से रही कि वीटो अपनी पावर इस्तेमाल करेगी यहाँ पे। दूसरा, एट द सेम टाइम ईरान होप्स अब किसके साथ आती है, अब आ जाती है चाइना के साथ, कि अब जो बचा है वो है आपका चाइना, वो जो है हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है चाइना अगर रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो है, देखो ये प्रोजेक्ट जो आपका नहीं हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ईरान और चाइना के बीच में, वो अब चाहे जो है आपका क्या कर दिया गया है, वो अब साइन कर लिया इसने। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजिकली और इन्वेस्टमेंट वाइज दोनों ही वाइज से जो है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे चाइना ईरान के लिए। आगे बढ़ते हैं, रशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज टू वीटो द US मूव्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कर सकता है, हेल्प मिल सकती है तो रशिया और आपके यहाँ पे चाइना से ही मिल सकती है। सिंपल बात आपकी ये ही लिखी गई है और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको नहीं देखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम, एडवांटेजेस एंड अ लेसन, राइट, कि अब जो है इसके क्या एडवांटेजेस हैं अगर चाइना के साथ वो अपने रिलेशनशिप स्ट्रांग रखता है तो। बट कि ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है चाइना के साथ, अच्छी हो सकती है। बट ईरान का जो कंसर्न है, ये जो चाइना हेगेमोनी होता है ना, कि चाइना मतलब लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो चाइना क्या चाहता है, ऐसी कंट्रीज को फोकस करता है जिनको जो इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, जो वीक हैं बहुत इकोनॉमिकली, उनको इन्वेस्टमेंट देगा, उनको कर्जे में रखेगा और अपने अंडर कर लेगा, लाइक दैट। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, ये चलता ही रहेगा और बार बार इन्वेस्टमेंट हेल्प करता रहेगा। तो ये चाइना की आपकी पॉलिसी है और ईरान जो है ऑलरेडी नोज दैट एंड ईरान डजेंट वॉन्ट इट। इसीलिए आपका ये जो प्रोग्राम है 2016 में इम्प्लीमेंट जो हो सकता था वो नहीं हुआ अभी तक। इट इज़ ट्रू दैट चाइना हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू रेजिस्ट US, और ऑब्वियसली चाइना जो है आपके US के सामने जो है मेजर पावर है, अच्छे से वो US के सैंक्शंस को आपका रेजिस्ट भी कर सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है। सो जहाँ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सैंक्शंस कंपेयर्ड, बट बात तो यह है ना कि इंडिया को भी तो यहाँ पे वेवर दिया गया है। इंडिया अगर बात चाबहार पोर्ट की ही है और अगर बात ट्रेड की ही है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की ही है, तो यहाँ पे इंडिया को भी सैंक्शंस दिए गए हैं, मतलब इंडिया को भी वेव ऑफ किया गया है इन सभी सैंक्शन से, कि इंडिया जो है इस पर काम कर सकता है, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेंगे। चाबहार पोर्ट पे अगर चाहता है डेवलपमेंट करना ईरान के साथ में तो कर सकता है, तो ईरान के लिए तो ये बेनिफिट ही है। सो ईरान रियलाइजेज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद इट्स ओनली पार्टनर दैट इंजॉयज अ सैंक्शंस वेवर फ्रॉम US फॉर चाबहार, एंड सिंस इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर द लैंडलॉक अफगानिस्तान। सो ईरान एंड इंडिया ऑल्सो शेयर एन एंटीपैथी टू द तालिबान, भाई तालिबान जो तालिबान है आपके अफगानिस्तान में, उससे दोनों ही अगेंस्ट में है आपके इंडिया और अफगानिस्तान, राइट, उस ग्रुप से। सो दिस इज वाई ईरान वुड लाइक टू कीप द डोर ओपन। नेवरदलेस देखो काम तो करना ही होगा, ईरान की प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट, ईरान की प्रॉब्लम है US से, तो यहाँ पे ठीक है USA वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इन्वेस्टमेंट का क्या करें।
तो ईरान जो इंडिया को काम करना होगा अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, चाबहार पोर्ट जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली, तो इंडिया को यहाँ पे जो है काम करना होगा, रिलेशनशिप सही करने होंगे ईरान के साथ में, और यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में करनी होगी, और जो प्रॉमिस किया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करनी होगी आपके यहाँ पे ईरान की. That is it about this article, right? The key is to continue to remain politically engaged with Iran so that there is a better appreciation of each other's sensitiveness and compulsions. So, यहाँ पे engaged रहना हमारे लिए ईरान के साथ benefit हो सकता है, वरना देखो ऐसा ना हो कि ईरान और चाइना का relationship strong हो जाए, वो कोई अपना एक और project लेके आ रहे हैं और हमारा ये जो project है वो weak हो जाए, क्योंकि हमको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा चाबहार पोर्ट से. ठीक है, तो यहां पे क्लियर है ये पॉइंट. यस यस सर. सैंक्शन कंपनी है अनुराग वो, ठीक है, इट इज़ बेसिकली डेजिग्नेटेड बाय यूएस ओनली, तो उस पर काम जो है वो कंपनी ये हैंडल भी नहीं कर सकती इस प्रोजेक्ट को. That is why. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मुझे बताओ समझ में आया, ओवरव्यू मैं छोटा सा दे देती हूँ इसका कि क्यों आखिर चाबहार पोर्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखता है. देखो ये कांडला पोर्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज कांडला पोर्ट, दिस इज योर चाबहार पोर्ट. 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, हमारे लिए ट्रेड करना ईजी होगा, यहाँ से हम बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, अब ईरान में और अफगानिस्तान के लिए जो आपका पाकिस्तान यहाँ पे एक्सेस नहीं दे रहा है, लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं. पोर्ट रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा 628 किलोमीटर लाइन का, चाबहार पोर्ट से जाहिदीन तक और जाहिदीन से जरांज को आपका ये कनेक्ट करेगा. तो स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ईरान के लिए भी और इंडिया के लिए भी चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. मुझे आप पहले कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ. यूजीसी की गाइडलाइंस में यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है. कमेंट करके बता दीजिए कि क्लियर हो गया है नहीं हुआ है. आगे बढ़ेंगे फिर हम. यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दैट स्कोर लो. तो यूजीसी ने भाई गाइडलाइंस निकाली है कि जो फाइनल ऑन कंडक्टिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम करवा दो, ठीक है, उनको एग्जाम करवा दो. ये यूजीसी ने बोला है कि इंसिस्टेड ऑन ऑनलाइन और पेन पेपर और अ ब्लेंड ऑफ टू मोड्स आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा दो, ठीक है. एलबीट विद अ मच डिले टाइमलाइन हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज कि अब जाके जो है आप देखो महीना चल रहा है, अभी तक जो है डिग्री इनको मिल जानी चाहिए थी, जुलाई आ चुका है, जून मई के एंड तक जो है आपके सभी कॉलेजेस के मोस्ट प्रोबेबली डीयू के तो बहुत जल्दी, बट मई तक आपके मोस्ट प्रोबेबली सभी यूनिवर्सिटीज जो है उनके एंड तक आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं. जून तक आपका अराउंड मिड रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हायर ग्रेजुएशन में जाना होता है, आपके जॉब्स लेनी होती है, ठीक है. तो अब उत्तर प्रदेश ये डिसीजन जो है लोग आधे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आधे लोग ठीक है ठीक मान रहे हैं. आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उसने तो अभी के लिए जो एग्जामिनेशन है वो होल्ड कर दिए हैं. डीयू जो है इसको वाइडली क्रिटिसाइज करिए कि भाई कैसे हम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दें, ऑनलाइन पेपर कैसे लें, ठीक है. सो द गाइडलाइन स्टेट दैट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन इज नेसेसरी फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस. गाइडलाइंस में है कि भाई एग्जामिनेशन जो है इंडिया में एक यही चीज़ है जो एक पर्सन की कॉम्पिटेंस बता सकता है कि वो कैसा, जब तक मतलब ये अब तो मतलब हमारी थिंकिंग अलग है, बट आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम्स के बेसिस पे जो हमारी कॉम्पिटेंसी होती है उसको जज करता है, राइट. कि कितने मार्क्स हैं तो आपको ये कोर्स मिलेगा, कि अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेडिकल मिलेगा, नॉन मेडिकल मिलेगा, वरना कॉमर्स आपका आर्ट्स मिलेगा, लाइक दैट. उसके बाद अच्छे मार्क्स हैं तो आपको जो है अच्छा स्कूल मिलेगा 10th में, इसी तरह से फिर आपका हायर एजुकेशन 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसके बाद कॉलेज में अच्छे मार्क्स हैं तो अच्छा हायर एजुकेशन और जॉब मिलेगी. तो ये सब कुछ जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो वही बोल रहा है कि गाइडलाइंस में
एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम कैसे करवाना है, ऑनलाइन ब्लेंड, बट वो जो है, बट एग्ज़ाम यहाँ पे होंगे ऑनलाइन एजुकेशन के, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपकी गाइडलाइन जो है पास की गई है। इन द लेटेस्ट UGC कम्युनिकेशन 182 यूनिवर्सिटी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि 182 कर चुके हैं, 234 जो है उन्होंने होल्ड कर रखा है। सो ग्राउंड रियालिटीज़ पे आते हैं। अब ये जो अब आपको पढ़ना क्या है, वही ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे यहाँ पे, और क्या एक एग्जामिनेशन शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे। एनीवेज, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट आर एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूज टू बी एग्जामिनेशन सेंट्रिक एंड दीज गाइडलाइंस फेल टू टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन फंडामेंटली डिपेंड्स ऑन देयर रिलायबिलिटी, राइट। तो वही बात है कि भाई किस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं, आपका कैसे मार्क्स आते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसी पर डिपेंड करता है। मोस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया मेयरली टेस्ट एन एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स, ठीक है। आपके मोस्ट एग्जामिनेशन आपके, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर क्या होते हैं, सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, भाई आपने क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी, क्या आपको याद है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है। मोस्ट टीचर्स आज तो क्या, जब हम ये ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो ये जो टीचर्स आपके पेपर बनाते थे, ठीक है, क्या वो आपके ऑनलाइन से रिलेटेड पेपर बना पाएंगे, राइट। और किस तरह से हम करेंगे, या फिर मान लीजिए MCQs करेंगे हम, तो क्या MCQs, क्योंकि एक ऑप्शन तो यही हो सकता है, अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो सकता तो MCQs होगा, तो MCQs बनाने में सक्षम है, कर पाएंगे, राइट। क्योंकि क्या मतलब जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो एक साइज मतलब वन साइज फिट अप्रोच, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, राइट, ये जो है हमारी सभी यूनिवर्सिटीज पे आपका अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ एफिलिएटेड हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, तो ये अप्रोच जो है UGC ने जो आपका बोला है वो सभी पे अप्लाई नहीं हो सकता। देखो पैंडेमिक से रिलेटेड भी आपकी कंडीशन हर स्टेट की डिफरेंट है, और स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट है, ठीक है। सो केवल एक यूनिवर्सल गाइडलाइन आप निकाल दो सभी आपकी यूनिवर्सिटीज के, तो ये भी एक फायदेमंद नहीं हो सकता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। UGC का काम क्या था, आपका फंड करना, ठीक है। UGC एक्ट 1956 में जब चेंजेस किए गए, तब भाई पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज जो है, ये पावर इन हायर एजुकेशन, ये आपकी पावर दे दी गई। टुडे द हायर एजुकेशन सेक्टर इज ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर फंडेड। आज जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो आपका ओवर रेगुलेटेड हो चुका है, राइट, अंडर फंडेड हो चुका है, कि मतलब UGC पूरा जो है उसको देख रहा है। मैंने आपको कल ही आपको बताया था, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट, सरकार जो है आपका वो देख रही है आज, ठीक है, और फंडिंग जो है नहीं। आपको पता ही है एजुकेशन सेक्टर में बजट जो है वो बहुत कम है, किसी प्रकार का फंडिंग नहीं है, बट हाँ ब्यूरोक्रेसी बिहेवियर और रूलिंग्स करने के लिए सभी आगे हैं। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर वांट्स टू रिप्लेस द UGC, जैसे कि UGC को चाहती है एजुकेशन कमीशन में बदलना। जरूरत क्या है, उसी को सही से कर लो, उसकी फंक्शनिंग पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो UPA टू हार इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन सिमिलर लाइन्स, सिंस यूनिवर्सिटीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज इन दीज टेस्टिंग टाइम्स, दिस ऑटोनॉमी कैन हेल्प अस। तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ये ऑटोनॉमी आपकी यूनिवर्सिटीज़ को दे देनी जानी चाहिए या नहीं दे दी जानी चाहिए। देखो दे दी गई तो भी नुकसान होगा, नहीं दी गई तो भी नुकसान होगा, बट आपको फिर ये खुद पता असेस करना होगा कि क्या यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताओ ऑटोनॉमी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बफरिंग नाउ फाइन, हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बफरिंग हो गया, एग्जाम में बफरिंग होने लग गई, तो टाइमर आपका चल रहा होगा, बफरिंग हो गई स्टूडेंट का, भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो बेचारे का तो एग्जाम नहीं हो पाएगा, है ना। और जिसने इतना पढ़ाई की हो, मानो कि कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो बेचारा तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा। This year on academic grounds has not been up to the mark. UGC must now give total autonomy to university or else this academic year will be a big zero. अरे देखो पूरी autonomy देना सही बात नहीं है, ठीक है, बट हाँ मैंने जैसा इसका एक possible solution हो सकता है, या तो semester को ख़त्म कर दो, एक semester बचा final year का,
ठीक है, ख़त्म करो, बाकी के जिनके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे उनको हम तब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा, या तो आपका ऑनलाइन एजुकेशन जो आपकी वेल इक्विप्ड आपकी कर सकती हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ पे कर सकती हैं ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उनको इस बारे में ऑटोनॉमी दे दो कि आप कर सकते हो तो कर लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वरना आप नहीं करना चाहते हो तो होल्ड। हम एक यूनिवर्सल अप्रोच रख सकते हैं कि सेमेस्टर को यहाँ पे ख़त्म ही कर दें पिछले, क्योंकि 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, एक नहीं होगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। बाकी ऐसा तो नहीं है कि एक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रेड अप हो जाएगी, राइट। तो आपका एवरेज निकलना है तो एवरेज आपका निकल जाएगा, और जैसे कि आपका बेस्ट ऑफ 3 कर दें, आपका 6 सेमेस्टर है तो ऐसे आपका एवरेज ये कर दें, मान लीजिए कि जैसे 7-8 सेमेस्टर होते हैं आपके टोटल, है ना, उसमें से आपका एक तो नहीं हो पाएगा तो 7 बचे, है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, बेस्ट ऑफ 3 कर दो, बेस्ट ऑफ 4 कर दो, उसके ऊपर आप एवरेज दे दो, है ना, ऐसे कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी ये ना लगे कि यार मैं तो लास्ट पेपर में कि मैंने इतनी तैयारी करी थी, मैं तो यही पेपर से अपने मार्क्स सुधारने वाला था, अब क्या करूँ। कोई एक सेमेस्टर में करने से होता तो नहीं है ज़्यादा कुछ, आपके मार्क्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-2 पॉइंटर पे फर्क पड़ेगा, दैट्स इट। बट ये कर सकते हैं, देखो बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 4 करके, दिस कैन बी। आपको क्या लगता है ये कैसा सोल्यूशन हो सकता है, है ना, क्योंकि देखो ये एक ठीक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, एक अप्रोच ये हमारे लिए सही अभी हो सकती है। जैसा कि हम बात करें, एग्जामिनेशन शुड नॉट बी द ओनली पर्पज डिसाइडिंग फैक्टर, तो मान लो कि आपका ये MCQs कर दिया साथ में, ठीक है, जहाँ पे हो रहा है, जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ठीक है, आपके MCQs करें, इंटरेक्शन, फोन कॉल, टेस्ट, एनीथिंग कैन बी डन। बट वजह ये है कि UGC क्या करे, आपकी ये जितनी जितनी जैसे एफिलिएटेड प्राइवेट सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे आपकी एक्सपर्ट्स को बुलाए, वहाँ की एकेडमिक काउंसिल से कंसल्ट करें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले लें, पहले डिस्कशन करें इस चीज़ पे ढंग से और जल्द से जल्द करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए अपनी डिग्री, उनको पास करना है, जॉब से नहीं, हायर एजुकेशन में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो है, लेट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रादर देन द ईगो गाइड अस इन द मैटर, कि भाई ये कोऑपरेट, हम मैंने आपको कल भी बताया था डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो उस पर फोकस किया जाए, रादर देन कि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर आपका चल रहा है UGC का। सो वाइल द डिसीजन हैज़ बीन जस्टिफाइड बाय द रेफरेंस टू अदर यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, द सिस्टम दैट दीज यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग आर लार्जली अकोमोडेटिव ऑफ स्टूडेंट्स कंसर्न। देखो मैं वही कह रही हूँ, जैसे अब यूनिवर्सिटीज को बोला जाए कि आपके ऊपर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना है नहीं करना है, तभी वो असेस कर पाएंगी, क्योंकि भाई उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, भाई उनके स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, अगर नहीं है तो मान लीजिए जैसे कि वो अगर ट्रैवल कर सकते हैं, एग्जाम देने आ सकते हैं, तो उनके लिए अलग से एक रूम बना दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, चेक सब कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, वो वहाँ पे जाके आपका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, तो ये बहुत सारे मेजर हो सकते हैं। बट वजह ये है, यहाँ पे होगा और यहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो है उनको भी सुननी होगी। एनीवेज द शैडो ऑफ द वायरस, ये वही बोल रहा है कि आज जो है हमारे वायरस की वजह से हर सेक्टर आपका जो है बैडली हिट है, चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके आज 1 मिलियन केस, 1 मिलियन जो है उसको हम हिट कर चुके हैं, एंड यहाँ पे आप अभी जाने वाला तो है नहीं ये वायरस, तो हमें जो है सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है, इतनी आसानी से अभी तो जाने वाला नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला नहीं है, आपके केसेस जो है बढ़ ही रहे हैं, और आपके बहुत सारी स्टेट्स हैं उन्होंने तो दोबारा आपका लॉकडाउन यहाँ पे निकाल दिया है। सो यहाँ पे with the guidelines state that decision has been taken keeping in the view that future of the student's job and higher education, कि these prospects are in fact harmed by this decision, कि भाई आप तो बोल रहे हो guidelines तो निकाली गई हैं jobs और higher education को ध्यान में रखते हुए, but इसका benefit जो है वो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि भाई देखो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मोर डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जो आपका डिसीजन है ये बहुत और डिस्क्रिमिनेशन लेके आ सकता है, कि इन केस द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, अगर आपका ये इन्फेक्शन जो है नहीं ख़त्म हुआ तो ये अगर जैसे UGC ने बोला है ना कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा दो, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या होगा जिनके पास इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी मटेरियल्स नहीं है, उनके पास एनवायरमेंट नहीं है पढ़ाई का, आप या पेपर नहीं दे सकते हैं, वो उनके लिए क्या, ठीक है।
So this can be very vulnerable for these students. In any case, period of 4 to 6 months will have impacted students differently. The elite with the तो वो वही बोल रहा है कि अब ये बहुत महीने हम आगे मतलब ऑलरेडी एक तो लेट हो चुका है, दूसरा ऑलरेडी पैंडमिक की वजह से हर क्लास को डिफरेंट डिफरेंट फेस करना पड़ा है. स्टूडेंट्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम रिमोट एरियाज आर दोज विद डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर एज अ कोरोना वायरस के बच्चे हैं, मतलब कोरोना वायरस के जो हेल्थ फ्रंटलाइनर्स हैं उन वर्कर्स के बच्चे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी वो डिसएडवांटेजेस में है ही है. ठीक है, तो नॉट ओनली की फैसिलिटी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब आपकी हो गई है. ठीक है, अब बात यह है कि भाई एक सेमेस्टर जो बच गया है क्या वो इतना ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे वही डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एक आपके पूरे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, है ना, क्या वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा? बाकी के सेमेस्टर में जो किया वो मतलब माना ही नहीं जाएगा, नहीं तो रादर देन कि अगर हो सकता है तो इसको एलिमिनेट ही कर दो. सो वी एक्सपेक्ट दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड द यूजीसी विल इवेंचुअली टेक डिसीजन दैट वुड बी इक्विटेबल फेयर एंड प्रैग्मेटिक एंड बेनिफिशियल. इसी तरह से आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि ठीक है, मतलब आपने पहले बुराइयां तो कर दी यूजीसी में क्या कमियां हैं, बट वे फॉरवर्ड में आपको पॉजिटिव रहना है. बट वी होप दैट यूजीसी विल कम अप विद सम फेयर इक्विटेबल मेजर्स प्रोग्राम्स दैट हेल्प लाइक जो आपके ये एक्सक्लूजन जो आपके स्टूडेंट्स हैं राइट जो आपके रिस्क फेस कर रहे हैं जो एक्सक्लूडेड हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ इट अबाउट दिस. एंड यहाँ पे आपका जो है, हाउएवर वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इफ़ वी डिस्कार्ड द एग्जामिनेशन सेंट्रिक व्यू At least in this emergency for just one semester. हाँ, इतना बड़ी बात नहीं हो जाएगी. आर्टिकल यही बोल रहा है कि अगर हम एक सेमेस्टर को ड्रॉप कर देंगे तो बहुत बड़ा हमारे करिकुलम में या एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा फर्क नहीं होगा. सो वी कैन ऑप्ट फॉर दिस राइट. क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ वास्ट पूल ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड दैट टू विद प्लेजरिज्म चेकर टू काउंटर कॉपी पेस्ट UFM. इट वॉज गुड. ओके, तो ये देखो अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है कि प्लेजरिज्म आपका भी वो भी आपका नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है. तो वही बात है, देखो हर यूनिवर्सिटी आपकी इक्विप्ड नहीं होगी, है ना, हर यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी का बच्चा वो इक्विप्ड नहीं है. तो ये ऑटोनॉमी इसी यहाँ पे ऑटोनॉमी काम करेगी. ठीक है, यहाँ पे ऑटोनॉमी काम करेगी और UGC यूनिवर्सल डिसीजन यहाँ पे ले सकता है रिलेटेड टू elimination of semester. So that is it about this particular article. I hope जो है यहाँ पे आपको समझ में आया हो. दो आर्टिकल हमने यहाँ पे पढ़े हैं. 12:30 बजे जो है आपकी PIB की क्लास होगी, तो ज़रूर आप आना. उसके बाद आज जो क्लासेस नहीं है और मैं पहले ही यहाँ पे आप जो है आपके क्वेश्चंस आज पोस्ट कर दूंगी दोपहर में. ठीक है, कल का क्वेश्चन और एक आज का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, ताकि आप संडे आपके पास फ्री रहेगा तो आप लोग आंसर कर सकते हो. मुझे आंसर सेंड कर देना Ritu Sharma 1006 पर. ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगी. थोड़ा संडे को मेरे पास थोड़ा काम है. आई नो कि मैं पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो है आंसर देख नहीं पा रही हूँ, पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ और क्वेश्चन भी नहीं कर रही हूँ. बिकॉज प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्केड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा है. बहुत हेक्टिक शेड्यूल जो है वो हो गया है, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. एनीवेज, पर कोई बात नहीं, वीकेंड आ गया है तो मैं अभी कर लूँगी एंड मंडे से जो है फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय सिचुएशन आल्सो. यस, रिव्यू, आई विल रिव्यू योर आंसर. ठीक है, आज क्वेश्चन दे दूंगी तो कल तक जो है आप एक्सपेक्ट कर लेना. जिनके स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स या क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हो, कल तक आई विल रिप्लाई टू यू गाइज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. आप सभी अपना ध्यान रखें. इज अ फॉरिन यूनिवर्सिटीज, अच्छा तो हाँ देखो डिपेंड करता है वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, इक्विपमेंट्स पे, टेक्नोलॉजी पे. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू दीपिका, अभिषेक, फिरदोस, अनुराग, रजत एंड शुभम. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. वी विल मीट एट 12:30 इन PIB एनालिसिस. सो आना ज़रूर, ठीक है, उस पर ज़रूर अटेंड करना. और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, लाइक ज़रूर करके जाना. ठीक है, लाइक ज़रूर करना. बाय बाय.